कभी हाथ पकड़कर अपनी कुर्सी चंद्रबाबू नायडू को देने वाले मोदी ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हीं की कुर्सी पर नजर होगी टीडीपी सुप्रीमो की। टीडीपी सुप्रीमो ने पीएम मोदी की एनडीए से नाता तोड़ लिया और सोचा कि वही पीएम बन जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएम मोदी को गद्दी से हटाकर अपने लिए मुलाकात लगातार करते रहे, दिल्ली की गलियों में लॉबिंग जबरदस्त की, लेकिन खुद के राज्य से भी हाथ धोया और दिल्ली की गद्दी तो अब बस सपने में ही आती होगी। राजनीति में सत्ता लोभ व महत्वाकांक्षा कब किसे कहां ला दे कोई नहीं जानता। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। अर्श से फर्श पर आने वाले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में विशाखापट्टनम में हुई एक पार्टी मीटिंग के दौरान नायडू ने अपनी पार्टी कैडरों से बातचीत में कहा, हमने अमरावती विशेष अधिकार एवं पोलावरम पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए बीजेपी से संबंध तोड़ लिए और केंद्रीय कैबिनेट से अपने मंत्री भी हटवा लिए, परंतु ये दांव उल्टा पड़ गया और टीडीपी को भाजपा से संबंध तोड़ने के कई दुष्परिणाम भी झेलने पड़े। बात इतनी ही नहीं है कि चंद्रबाबू को बीजेपी का साथ अब याद आ रहा है। नायडू ने कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को भी एक गलती के रूप में स्वीकार किया और कहा, तेलंगाना में मैंने कांग्रेस के साथ सीट बांटने का निर्णय लिया था, हम इसमें बुरी तरह असफल रहे। बीच राह में मुझे समझ में आया कि एक बहुत बड़ी भूल थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि टीडीपी में इस बदलाव के संकेत इस वर्ष अगस्त में ही पड़ने शुरू हो चुके थे, जब नायडू के नेतृत्व में पार्टी ने मोदी सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान हटाए जाने का समर्थन किया। इससे पहले राज्यसभा में टीडीपी ने तीन तलाक विधेयक पर वोट डालने से ही मना कर दिया, जो भाजपा के अप्रत्यक्ष समर्थन के तौर पर भी देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने चंद्रबाबू को आगाह नहीं किया था। राजनीतिक गलियारों में ये सब भली भांति जानते हैं कि पीएम मोदी और चंद्रबाबू नायडू की दोस्ती काफी अच्छी रही है और बार बार इसी दोस्ती की खातिर मोदी आगाह भी करते रहे हैं। जब टीडीपी ने पिछले वर्ष सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा था तो पीएम मोदी ने कहा था कि नायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बुने जाल में फंस चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि जब बीजेपी टीडीपी गठबंधन में दरार पड़ने लगी थी, तब बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में अपने मित्र दल को शांत करने के लिए काफी प्रयास किए थे, लेकिन नायडू के तो सपने ही कुछ और थे, जो टूटे तो अब पछता रहे हैं। एक ओर बीजेपी ने सभी कठिनाइयों से पार करते हुए सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की, तो वहीं नायडू के नेतृत्व में टीडीपी राजनीति में अब अपना अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है। लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा में भी चंद्रबाबू नायडू अपनी साख बचाने में असफल रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव ने कई राजनीतिक सूरमाओं को धूल चाटते हुए देखा, जिसमें सबसे अव्वल थे चंद्रबाबू नायडू और उनकी तेलुगु देशम पार्टी। 2014 में 100 से भी ज्यादा सीट जीतने वाली टीडीपी इस बार 175 सीटों में से केवल 23 सीटों पर ही विजयी हो पाए। यही नहीं, टीडीपी लोकसभा चुनावों में पिछली बार के 15 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 3 सीट ही जीत पाई। लेकिन यदि नायडू बाबू बीजेपी के साथ पुनर्गठन करने के सपने बुन रहे हो तो वे ये ख्याल भूल ही जाएं। कभी पीएम मोदी को आतंकी कहने वाले चंद्रबाबू नायडू के लिए वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत पहले ही कहा था, चंद्रबाबू नायडू के लिए बीजेपी और एनडीए की ओर से सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं और पार्टी उनके साथ कोई संबंध दोबारा नहीं बनाना चाहेगी। 2019 के चुनावों के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की सबसे ज्यादा पैरवी की थी। पीएम बनना तो दूर की बात, अब तो चंद्रबाबू ना घर के रहे ना ही घाट के। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।